asalaamu alaikum my dear students hope you all are doing good today i'm going to teach you a new lesson from your maths book that is more about shapes it's lesson number 9 on page number 119 more about shapes so ajam shapes we have already learned about some shapes बेसिक शेप्स इन क्लास फर्स्ट सो ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में यानी ग्रेट वन में आपने प्री शेप्स uh, के बारे में बेसिक जो शेप्स होती है उनके बारे में पढ़ा होगा do you remember? सो so अभी यहाँ पर कुछ शेप्स बनाई गई है सो so हमें क्या करना है हमें इनके नाम लिखने हैं first one is name the shape, first one is, this one is rectangle, so write down rectangle.

नाउ सेकेंड वन इज़ कम्प्लीट द पैटर्न ऑलरेडी आपने पैटर्न uh, जो है वो भी पढ़े है सो so, अभी हमें यहाँ पर पैटर्न जो है कम्पलीट करना है सो so, यहाँ पर हमें शेप्स का पैटर्न uh, बना के uh, बनाया है सो फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट एज स्क्वान सर्कल स्क्वा सर्कल सो यहाँ पे आएगा स्क्वा एंड देन सर्कल दैन स्क्वैर एंड देन सर्कल सो इस तरह ये पैटर्न जो है ये कम्प्लीट हो गया नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट इट्स रेक्ट एंगल ट्राइंगल ट्राई एंगल रेक्ट एंगल देन ट्राई एंगल सो यहाँ पर दैट मीन्स हमें ट्राई एंगल बनानी है उसके बाद हमें रेक्ट एंगल बनाना है उसके बाद ट्राई एंगल सो so, ऐसे ये पैटर्न जो है ये कम्प्लीट हुआ शेप्स का पैटर्न नाउ फन टाइम कम्प्लीट द ग्रेड यूजिंग सो अभी यहाँ पर कुछ ग्रेड है एक बॉक्स बनाया है सो so ये हमें कम्प्लीट करना है सो so, यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ इस बॉक्स में आपको टू रेड रेक्टेंगल्स है एंड टू ग्रीन ट्राइंगल्स है टू येलो स्क्वायरस है एंड टू ब्लू सर्कल्स है सो यहाँ पर टू टू है हर एक जो ये बेसिक शेप्स है अलग अलग कलर के है हर शेप जो है दो दो है ईच कॉलम एंड ईच रो मस्ट हैव वन ऑफ ईच शेप सो जो रो एंड कॉलम है हर एक में क्या होना चाहिए हर एक में एक एक शेप होनी चाहिए यानि शेप जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए सो so, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाले में हमें बना के है फर्स्ट लाइन की बात करेंगे दैन यहाँ पे स्क्वायर बना के है सो so स्क्वायर बना के है बट यहाँ पे दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे यहाँ पे रेक्टेंगल सॉरी बना के है सो so अगर हम यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे देन रेक्टेंगल सो अभी यहाँ पे कौन सी शेप पेंडिंग है दैट इज़ सर्कल सो ऐसे जो है हमारा पहली वाली लाइन जो है कंप्लीट हुई सो so अब हम देखेंगे इस वाली लाइन को यहाँ पे कौन सी वाली पेंडिंग है सो so अगर हम देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो पेंडिंग है So so यहाँ पर पहले वाले में ये हमने स्क्वायर बनाया देन रेक्ट एंगल सर्कल भी आया एंड ट्राइंगल भी आया नाउ सेकेंड लाइन अगर हम सेकेंड लाइन की बात करेंगे सर्कल बना के है सो so अगर हम यहाँ पर ट्राई एंगल बनाएंगे ट्राइंगल के बाद हम यहाँ पे स्क्वा बनाएंगे सो so ऐसे ये कंप्लीट हुआ एंड अब यहाँ की बात करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे सर्कल पेंडिंग है अगर हमने सर्कल बनाया दैट मीन्स ये वाला भी कंप्लीट हुआ सो so, अगर इसकी बात करें यहाँ पे रेक्टेंगल इनकम्प्लीट अभी नहीं डाला हमने हम रेक्टांगल डालेंगे एंड यहाँ पे ट्राइंगल की कमी है यहाँ पे हमने ट्राइंगल डाला सो ये जो हमारा ग्रिड है ये कम्प्लीट हुआ एंड हर एक जो रो एंड कॉलम है उसमें क्या आया जो शेप्स uh, है वो रिपीट नहीं हुई सिंगल सिंगल आई सो so ये था बेसिक शेप्स के बारे में दैट इज सर्कल ट्राइंगल रेक्टाइंगल एंड स्क्वायर एंड रेस्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे